उसको हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, मतलब जो भी प्रोसीजर है हमारा कि उसको वेरीफाई करना है, कई बार हम फोन के जरिए मतलब वेरीफाई करते हैं। आज का यहाँ पे बनी में मेरा फर्स्ट विजिट था बीइंग असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। यहाँ पे मैंने वीडियो साहब से कांटेक्ट किया था, एसडीएम साहब से, इनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला मुझे यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हर उस इंसान तक मैं पहुँचूँ जिसको ज़रूरत है। हमारे जो ये आज का मेन फोकस हमारा है ईश्रम, जिसमें हमारा काफ़ी इसमें रिस्पांस हमें मिल रहा है, और आई थिंक कि ये आगे काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और इसमें रजिस्ट्रेशंस जो हैं काफ़ी इम्प्रूव होंगी। ईश्रम का जो है ये हमारा 26 अगस्त अभी 2021 को ये लॉन्च किया गया है सरकार की तरफ से ये पोर्टल, और इसमें हर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबको हमने रजिस्टर करना है। और जो भी सरकार की जो नेशनल डेटाबेस का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमने उनको डेटा प्रोवाइड करवाना है, हर अपने ब्लॉक का, हर अपने पंचायत का और हर एक गांव का, जो जो कि इसमें हमारे ये आ जाएंगे, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाएंगे, माइग्रेंट वर्कर्स आ जाएंगे, जीजेंट प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ जाएंगे, कोई मिल्कमैन आ जाएंगे हमारे, कोई वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो जो कि खेतों में काम करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स इसमें आ जाएंगे, ईच एंड एवरी वर्कर जिसका कि इनकम 15,000 से कम है, जो कि इनकम टैक्स नहीं देता है, और इसके साथ साथ जो EPFO का मेंबर नहीं है, ESIC का मेंबर नहीं है, तो जहाँ फिर कोई NPS का मेंबर नहीं है, उन सब का डेटाबेस सरकार तैयार कर रही है। और इसमें हम यही मतलब इसी के लिए हमारा मेन फोकस जो है, इसके साथ साथ हम और भी लेबर लॉज की अवेयरनेस करेंगे इस एरिया में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी फार फ्लंग एरिया है जहाँ से लोगों के साथ डायरेक्ट हमारी बातचीत होनी चाहिए। और जब हम वहाँ से बसोली से आगे बढ़े हैं तो काफ़ी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, जहाँ से लोगों के साथ भी मिली, रास्ते में भी मिली, और यहाँ पे आके भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि स्कीम्स का बेनिफिट जो है लोगों तक पहुँचेगा। हम तो यहाँ पे अभी कर रहे हैं, BDO साहब ने काफ़ी लोगों को यहाँ पे इंटीमेट कर दिया था, और नेक्स्ट का आगे का जो ये बनी का एरिया का जो है ये BDO साहब अपने लेवल पे भी अवेयरनेस कैंप्स करेंगे और लोगों को रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह पर कैंप लगा रहे हैं? हम अभी ये प्रोजेक्ट में जाएंगे जो हमारा सेवा प्रोजेक्ट है, और व्यापार मंडल के साथ भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे लेबर लॉज उनको जो पर्टेन करते हैं उनकी जानकारी उनको हम देंगे। आपने हमारा सेवा प्रोजेक्ट की बात की, जी, पर हमने अक्सर देखा गया है कि चाहे जी रोड्स कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर जैसे टनल का वर्क है, वहाँ पर चाहे ग्रिफ का वर्क हो, वहाँ पर लेबरर्स को सेफ्टी किट नहीं दी जाती है। अक्सर हम देखा चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो, ठीक है, कुछ भी उनके पास ऐसे नहीं होता है कि वो अपनी मजदूरी आराम से कर पाए, तो ठीक है क्या? हाँ, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मेरे तक पहुँचे, क्योंकि वो लिंक है एक हमारे मतलब डिपार्टमेंट के बीच में और पब्लिक के बीच में। और भी यहाँ पे जो आपने सेफ्टी किट की बात की है, तो हम भी मतलब जब भी इन लोगों को लगेगा कि हमारी ज़रूरत यहाँ पे है, और हम भी कोशिश करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएं, और उनके अभी हम विज़िट भी करेंगे वहाँ पे, अगर ऐसा कुछ है कि उनको सेफ्टी किट्स नहीं हैं, उनको वो सेफ्टी किट्स मिलने चाहिए, हम बात करेंगे, SDM साहब के भी नॉलेज में लाएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस कठुआ में है, तो यहाँ पे लोअर लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे BDO साहब, तहसीलदार या फिर SDM साहब हैं, उसके अगर मेरे पास ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आएगा तो मैं उनमें मीटिंग कर लूंगी जहाँ भी चाहिए। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका ये कहना रहता है, जिस कंपनी में हम यहाँ पर काम करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, वहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से एक सहायता नहीं मिल पाती है उनकी तरफ से, या कोई कैजुअलिटी हो जाती है या फिर वो किसी भी तरह से चोटिल हो जाते हैं, कंपनी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है तो मैं उनका ले लूँगी यहाँ से डिटेल, तो नेक्स्ट उस पर हम देखते हैं क्या कार्रवाई करनी है। ईश्रम जो आज पोर्टल इसके रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, यूथ है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मतलब बेनिफिट्स तो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, किसी भी मतलब रजिस्ट्रेशन जो है हर कोई इंसान आज के दौर में यही मतलब देखता है कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ से। तो सरकार ने जो सबसे पहले इसमें रिस्क कवर दिया है,
हेल्थ इंश्योरेंस जो है, उसके साथ साथ जो इनको प्रीमियम भरना पड़ता है मतलब इंश्योरेंस के लिए, वो एक साल के लिए इनको नहीं मतलब देना है। और जो भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं फ्यूचर में, मतलब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो सकता है कि ये मतलब लिंक हो जाएंगी इससे, तो इसके ये मतलब हर एक जो बेनिफिट जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं ये सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसके लिए कि इनको ई श्रम कार्ड जो इनको मिल रहा है उस पर इनका एड्रेस रहता है, इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है इनकी डिटेल्स में रहता है, तो बेनिफिट्स के लिए मतलब इनका एक वो आई कार्ड बन जाएगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है, जो कि इनके आधार के साथ लिंक रहेगा और बैंक अकाउंट के साथ लिंक रहेगा। तो वो जानकारी जो है वो सरकार के पास रहेगी, जो भी आगे डाटाबेस जो जाएगा सरकार के पास, उसके अकॉर्डिंगली सरकार अच्छी स्कीम्स भी फ्रेम कर सकते हैं, आगे का कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन उसमें हम तब भी वो पॉसिबल है जब हम लोग खुद आगे बढ़कर खुद अपनी डिटेल्स सरकार को देंगे, और ताकि उनको पता चले, और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जरिए भी आप आगे ये पहुंचाएंगे कि हमारी हमारे लिए कौन सी मतलब स्कीम आ सकती है, हमें कौन सा बेनिफिट मिल सकता है, एरिया के अकॉर्डिंगली जो भी है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे यहाँ से। तो बाकी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि आपके आने का, तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे या मजदूर तबका था, खुशी की लहर में थी, लेकिन क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से उन लोगों के लिए, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके मीडिया के माध्यम से मेरा यही उनके लिए मैसेज रहेगा कि जो भी मजदूर तबका ऐसा मतलब है जिसको लगता है कि मैं वहाँ पर कठुआ नहीं पहुँच सकता, ALC का जो यहाँ पे ऑफिस है, तो उसको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ये जो CSC सेंटर्स हैं कॉमन सर्विस सेंटर, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। हमारी जो 3 वेबसाइट्स अभी चल रही हैं, आपको अगर लेबर कार्ड बनाना है तो आप ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई करेंगे, और ई श्रम कार्ड बनाना है आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं, आपको CSC की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हम अपने फ़ोन नंबर्स अपना जो भी अपनी हमारी तरफ से वो रहेगा हम लोगों में सर्कुलेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम वहीं से मतलब इनको यहाँ बैठे इनको सर्विस मिले, चाहे हमें यहाँ पे कितनी बार भी आना पड़ेगा वो हम आएंगे और उन लोगों के बीच में जाएंगे, उनको स्कीम्स के बारे में बताएंगे, अवेयर करेंगे। मैं जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैम आई है, इनका अपने और अपनी बनी के लोगों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जे हमारे बीच आई, और मैंने इनको एक लेटर लिखा था क्योंकि जो हमारी बनी की लेबर है जे बहुत दुखी से काम कर रही थी, इनको बड़ी सारी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, तो मैंने इनको लेटर लिखा था कि आप खुद आएँ जो हम पे विज़िट करें और देखें कि वो लोग रजिस्टर भी हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं मैम से उम्मीद रखती हूँ कि जे जाएंगे वहाँ पे तो खुद देखेंगे कि जो लेबर हैं वो रजिस्टर हुई है या नहीं हुआ, जो भी कैजुअलिटी हुई है तो उन लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और मैं मैम से निवेदन करती हूँ और बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी इन्होंने अपनी स्कीम्स बताई तो ये हमारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो और हम सरपंच से निवेदन करते हैं कि जे आज इस बनी में आए और अपने अपनी पंचायत में जाके जे लोगों को अवेयर करे, जितनी भी मैम्स ने ये स्कीम्स बताई हैं अपने लोगों तक पहुँचाए और उनको हमारे जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट हो। सर क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, सर आगे का क्या रहेगा, किस तरह की सहायता जो है आपकी तरफ से लोगों को मिलेगी? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कट हुए हैं, मैं इनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने बनी को प्रायोरिटी पे लिया। और ये जो ई श्रम स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है, खासकर अगर हम बनी को देखें, अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें, ये रूरल एरिया है और यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं वो अनस्किल्ड जो हैं वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, तो इनके लिए ये स्टेप बहुत एक अच्छा एक साबित होने वाला है। और यहाँ तक हमारा फ्यूचर प्रोग्राम है, तो हम ग्राम सभाज करवाते हैं, हम बाढ़ सभाज करवाते हैं, जो PRIs हैं उनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम इस स्कीम को वार फुटिंग पे लेंगे और मैक्सिमम जो हमारा जो लेबरर्स हैं अनस्किल्ड वर्कर्स हैं बनेंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।